तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरे इस चैनल में। जो कि आज मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, ये मुझे Tugu.com से पढ़ा है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी M30S है। आप यहाँ पे अगर देख सकते, कैमरा फोकस कर ली तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या कंपनी ने कैसा सेट भेजा है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो का मजा लेते रहें। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को वीडियो दोस्तों ऐसे लाइक कर दीजिए मेरे चैनल की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दे देता हूँ और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको बीच में फाड़ देता हूँ दोस्तों। सीट पैक आप देख सकते हैं, बिल्कुल आ गया। इस पर दोस्तों पन्नी लगी हुई है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ आपके सामने। दोस्तों मैंने ये पन्नी निकाल दी है और इसको मैं इससे साइड करता हूँ। जैसे दोस्तों आप दो सील लगी हुई है तो आपके सामने मैं इन सीलों को ब्रेक कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेते हैं डिवाइस को, कैसा डिवाइस है। तो इस तरह है दोस्तों, ये हमारा डिवाइस है ब्लू कलर का। तो उसको एक बार हम रखते हैं साइड में, बाकी कंटेंट देख लेते हैं। ये कुछ पेपर वर्क है और उसको उठाते हैं। इसमें कुछ पेपर वर्क हैं, उसको साइड में। फोन की तरफ तो सबसे पहले फोन की मैं पन्नी बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ऐसा फोन है कुछ, आप यहाँ देख सकते हैं। और पीछे दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और साइड से आप देख सकते हैं मुझे डेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप मेरे डेंट्स से हैं सेट पे, यहाँ पे डेंट्स हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंट्स हैं, यहाँ पे हैं थोड़े से। और बाकी फ्रेम में थोड़ा ऊपर डेंट है और साइड में कहीं नहीं है दोस्तों, यहीं पे डेंट है। चलिए वो डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं। M30S लिखा आ गया दोस्तों। मेरे हिसाब से ये डिवाइस अच्छा है और आप जो उसे शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आपका कुछ सवाल सुझाव है तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। और बाकी दोस्तों मैं इसको सही फुल सेटअप करने के बाद फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। तब तक बने रहें और बोलते रहें भारत माता की जय।